नोटबंदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान का चुनावी शंखनाद उदयपुर में करने जा रहे हैं। 30 जून को लोकसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में करीब 50,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं। इसी को लेकर शनिवार को शहर के पटेल सर्कल स्थित पार्टी के कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बताया कि जिला कार्यकारिणी से लेकर बूथ अधिकारी तक जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब 50,000 कार्यकर्ताओं को अमित शाह संबोधित करेंगे। इसी को लेकर पूरे जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। प्रेस वार्ता के दौरान ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, शहर जिलाध्यक्ष रविन्द्र शिमाली, प्रमोद सामर, गजपाल सिंह राठौड़ आदि मौजूद थे। ये महाराणा प्रताप राणा पूंजा की इस धरती पे 30 जून को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और आधुनिक राजनीति के चाणक्य आदरणीय अमित शाह जी उदयपुर पधारने वाले हैं। उसको लेकर हमारे संगठन ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी देहात उदयपुर, भारतीय जनता पार्टी शहर और तमाम हमारे संगठन हैं, उन्होंने पूरी तैयारी की है और लगभग हमारा लक्ष्य है 50,000 व्यक्ति जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे जनता है, वो इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। उसकी संपूर्ण तैयारियां हम कर रहे हैं। बहुत सारी कमेटियों का गठन हो चुका है। सब तरह की पूर्ण तैयारी के साथ हम ये कार्यक्रम करेंगे और लोगों में, मैं भी 2 दिन जाके आया हूँ सलूमर सराड़ा ऋषभदेव, भारी उत्साह है लोगों में आने के लिए, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी ये सभा होने वाली है।